रिक्त स्थान में सही संख्या लिखना। आज हम बच्चों को कार्य पत्रिका में रिक्त स्थानों में सही संख्या लिखना सिखाएंगे। तो ये है 10 लकड़ियाँ और इनका 10 का बंडल हम ऐसे बना लेते हैं। 10 का एक बंडल और एक लकड़ी हो गई 11। 11 लकड़ियाँ, 10 का एक बंडल और दो लकड़ियाँ हो गई 12। 12 लकड़ियाँ, 10 का एक बंडल और तीन लकड़ियाँ हो गई 13। 13 लकड़ियाँ, 10 का एक बंडल और चार लकड़ियाँ हो गई 14। 14 लकड़ियाँ, 10 का एक बंडल और पांच लकड़ियाँ हो गई 15। 15 लकड़ियाँ, 10 का एक बंडल और छह लकड़ियाँ हो गई 16। 16 लकड़ियाँ, 10 का एक बंडल और सात लकड़ियाँ हो गई 17। 17 लकड़ियाँ, 10 का एक बंडल और आठ लकड़ियाँ हो गई 18। 18 लकड़ियाँ, 10 का एक बंडल और नौ लकड़ियाँ हो गई 19। 19 लकड़ियाँ, और 10 का एक बंडल और 10 और लकड़ियाँ, मतलब 10 के दो बंडल, तो हो गई पूरी 20। 20 लकड़ियाँ। यहाँ पर दी गई संख्याओं और रिक्त स्थानों को बच्चों की कॉपी में उतारिए और उन्हें रिक्त स्थान में उचित संख्या लिखने के लिए कहिए। पहला प्रश्न, 15 से पहले और बाद में क्या आता है? दूसरा प्रश्न, 16 और 19 के बीच कौन सी संख्याएं होती हैं? तीसरा प्रश्न, अगली संख्याएं क्या हैं? चौथा प्रश्न, 17 के पहले चार संख्याएं कौन सी होती हैं? आपसे अनुरोध है कि बच्चों को स्वयं अभ्यास पूरा करने का मौका दें। ऐसे अभ्यास करने से उन्हें संख्याओं को याद रखने में आसानी होगी। कार्य को पूरा करने के बाद बच्चों की कॉपी की तस्वीर लेकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए।